खबर गाजियाबाद से है, जहां लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, तो वहीं लिंक रोड इलाके में पीने के पानी को लेकर भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा। आलम यह है, लोगों को पीने के पानी के लिए पास में स्थित फैक्ट्री से पीने का पानी लाना पड़ रहा है और उसके लिए भी लोगों को घंटों लाइन लगाकर पानी मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी गंदा पानी ही घरों तक पहुंच रहा है, जिसे पीकर लोग बीमार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि डेढ़ घंटे लाइन में लगने के बाद पीने का पानी नसीब हो पाया है। लोगों ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि गरीबों के लिए सरकार पानी की व्यवस्था कराए। पानी लिए खड़े हैं, दो घंटे से खड़े हैं। घर में क्या हाल है, इसमें घर के बारे में बताइए। घर में कुछ भी नहीं, इधर उधर से मांग चांग के लाते हैं तो खाते हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। पीने के पानी के लिए लाइन में क्यों खड़ा होना पड़ा आपको? पानी दिक्कत से 10 रुपया बचेगा तो वही कोई चीज सब्जी वब्जी खरीद के खाऊंगा। क्या पहले खरीद के लाते थे पानी? पहले हाँ, पहले खरीद के पीते हैं। कितने रुपए का आता है बोतल? बोतल 10 रुपया में भरते हैं।